तो नमस्ते दर्शकों, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने ये खरीद के अपना पैसा बचा लिया और जो मैंने खरीदा था वो मैंने बर्बाद कर दिया। सिर्फ पैसे की बात नहीं है यार, मैंने सिर्फ अपना पैसा ही नहीं टाइम भी बर्बाद कर दिया। बर्बाद ही तो जिंदगी में होती रहती है, पर एंजॉयमेंट रुकना नहीं चाहिए। मुझे बर्बाद कर दिया इस वीडियो में, क्योंकि जब मेरे पास 24 वाला शेड था, जब मैं ड्राइंग करने बैठता था तब मैं ऐसे करता था। बस 24 था उसमें, तब भी मेरे को चूज करना ही नहीं आता था। मतलब हर एक कलर को उठा लेता था, जो मतलब थोड़ा सा मैच कर जाए हर एक कलर को उठा लेता था मैं। वाओ, कांग्रेचुलेशन। मतलब 12 शेड तो हाथ में ही आ जाते थे मैं, और मैं हमेशा स्ट्रगल करता कलर करने में। मतलब कौन से कलर पहले लगाया, दूसरे में क्या लगाया, तीसरे में क्या लगाया, मतलब ऐसा करते करते पूरा दिन चला जाए। आई नो, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट एक लेयर के बाद ऐसे दूसरा तीसरा कितने सारे लेयर लगाते हैं। आई एम लाइक कैसे कर रहे हैं? जो आर्टिस्ट वो इतने सारे पेंसिल यूज करते हैं तब भी बना देते अच्छा वाला आर्ट वर्क, दे आर सो टैलेंटेड यार। आई एम नॉट टैलेंटेड, जिंदगी झंड है। और तब मैं बोलता था 12 वाला शीट किया ही होगा, 12 वाले शीट से कितना ही होता है इसमें, क्या ही बनता है इसमें, लिटरली यार आई डोंट बिलीव यार इतना अच्छा बनता है। हाँ, मैंने इतना अच्छा बाटोक बनाया बस 12 वाले शेड से, उससे भी मैंने थोड़ा सा मतलब 2-3 कलर यूज किया है। और पहले मैं 8-10 कलर लेकर बैठता था स्किन कलर, मतलब एक के ऊपर एक लेयर लगाते 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 पुड्डा ही हो जाता मैं। कितना स्ट्रगल करता यू डोंट बिलीव यार मैं, मतलब कौन से पहले लगाया, कौन से दूसरे, कौन से तीसरे, ऐसे ऐसे भूल ही जाता था मैं। एक छोटा जगह होने के बाद फिर जब शुरू करूँ फिर से मैं भूल जाता था क्या किया था पहले वाले। तो जो लोग इस टाइप की परेशानी फेस करते हैं उन लोगों के लिए आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और देखना पूरा वीडियो, पता चल जाएगा मैंने बस 2-3 कलर यूज करके कैसा 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 बना दिया ये। तो बेसिकली ये वाला है 12 वाला शेड और ये है 24 वाला शेड। 24 वाला शेड में से अब इसमें जो 12 वाला शेड है, जो बेसिक कलर है, वो लेकर फेंक देना बस। मतलब इसमें इससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बस पैसा बर्बाद है थोड़ा सा। और मैंने इसमें और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा है, जो है लीड ब्रेकेज का। लीड ब्रेकेज इसमें मैंने देखा नहीं, मतलब एक बार टूटा था, बट इसमें तो 2-3 बार मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया। मतलब थोड़ा सा ही जब शार्प करते हो टूट जाता है, क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसका लीड ब्रेकेज कम होता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। तो बेसिक रीजन ये हो सकता है कि जब ये गाड़ी से आता है तो ऑब्वियसली गाड़ी मूव होता है, तो टूट जाने का चांसेस लंबे पेंसिल में ज्यादा रहता है कंपेयर टू शॉर्ट पेंसिल। मतलब ये छोटा है तो इसमें ऑब्वियसली कम टूटने का चांस रहता है, तो इसलिए लीड ब्रेकेज ऑब्वियसली कम होता। और कलर के बारे में बताओ तो इन दोनों में कलर सेम है, सेम पिगमेंट, सेम बट डिफरेंट, मतलब की साइज में डिफरेंट। ये दो तो ठीक है तब भी, और इसमें ये तो पूरा ही बर्बाद ही है पैसे की। मतलब की 200 रुपए लिया है, इसका डबल है। ये महंगी चीज है, इसके लिए भी महंगी चीज चाहिए, मतलब पेपर भी महंगा होना चाहिए इसके लिए, सस्ते पेपर में तो काम नहीं करता ये। तो बेसिकली ये और ये सेम टू सेम है, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ पीछे की तरफ उन लोगों ने क्या लिखा है, मतलब जो स्पेसिफिकेशन देते है ना। पहले वाला है स्मूथ शार्पनिंग, सेकेंड है हेक्सागोनल, तो सेकंड है हेक्सागोनल कलर पेंसिल, थर्ड है ब्राइट कलर्स, फोर्थ इज एक्यूरेट ब्लेंडिंग। ये चार चीज इसमें भी लिखी हुई है। तो ये बेहूदी हड़कड़ दिखड़ने वाला डंगड़ ने तो वीडियो में बहुत कुछ बक दिया। हाँ? पर आपको पता चलना चाहिए ना पेंसिल कितना अच्छा है। प्रॉब्लम भी होता है पेंसिल में, तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा बाद में। उससे पहले थोड़ा सा प्रोसेस दिखा दूं मैं आपको। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिंपल प्रोसेस इज सिंपल सिंपल, मतलब क्या कर लो डंगर, मतलब की प्रोसेस में हम करेंगे पहला एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद धीरे 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 स्किन टेक्सचर ऐड करेंगे, फिर से डिप्थ ऐड करेंगे, अंधेरा ऐड करेंगे, और उसके बाद तैयार हो जाएगा आपका खूबसूरत आर्ट वर्क। ऐसे ही अब कुछ करते जाना होगा। और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं बस 3 कलर, एक है ब्लैक कलर, दूसरा है ब्राउन कलर, तीसरा है व्हाइट कलर। ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दीपिका पादुकोण ने बोला है लेस इज मोर। वैसे तो हम नहीं मानते ज्यादातर टाइम, हमारे लिए मोर इज लेस रह जाता है, पर क्या कर सकते हैं, यही है जिंदगी, मोर इज लेस इज सुपर डुपर
क्या बोलना है, चलो छोड़ो। सच्ची में बताओ तो ये कलर पेंसिल बहुत ही अच्छा है, बस दो लेयर पे ही मेरा काम खत्म हो रहा है, बहुत अच्छा। तो इस कलर पेंसिल के बारे में मैंने तो बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज बोल दिया, पर इसके एक खराबी भी है, ये भी सुनाना पड़ता है ना भाई। मतलब लिटरली बोलूं तो खोल के दिखाता हूं, मतलब कलर पेंसिल खोल के दिखाता हूं। बाकी कलर उधर पड़ा है तो एडजस्ट कर लो। तो लिटरली बताओ तो इसका साइज पिद्दी सा हो गया, इस पिद्दी से पेंसिल को कैसे मैं पकड़ू, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या बताऊं यार, पकड़ा नहीं जाता। लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है, मेरे को पेंसिल पकड़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैंने सोचा है इसका एक जुगाड़। तो ये है मेरा जुगाड़ू पेंसिल एक्सटेंडर, एक्सटेंडर क्या कहते हैं इसे, एक्सटेंडर कुछ कहते होंगे, यार दिमाग में नहीं आ रहा है, पेंसिल को बड़ा करने वाला चीज है। हाँ, इसके अंदर इसे घुसा सकते हो ऐसे, तो ये पेंसिल लंबा हो जाएगा, आपको अच्छी तरह आप अच्छी तरह से पकड़ पाओगे। ये प्रॉब्लम तो सॉर्टेड है, पर इसके बाद वाला प्रॉब्लम बहुत ही दिक्कत वाला है, क्योंकि उस प्रॉब्लम का ना ही है कोई सलूशन। बिकॉज देखो यार, पहली बात बोलूं तो इस पेंसिल बहुत छोटा छोटा मिलता है आपको, छोटा पेंसिल से कितना ही आर्टवर्क बना सकते हो आप। मैंने बस एक आर्टवर्क बनाया, इस पेंसिल तो पिद्दी सा भी छोटा हो गया, तो सोच लेना बहुत दिक्कत वाली याद आने वाली है। और वैसे बताओ तो मैंने ये सारा बियर्ड जो बनाया ना, वो एक टेक्निक से मैंने फॉलो किया है, जो सफ़ेद सफ़ेद बाल बनाना सस्ते पेंसिल से भी बहुत मुश्किल होता है, तो वो टेक्निक मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। तो मैंने यह फॉलो किया है इंडेंटिंग टेक्निक। इंडेंटिंग टेक्निक क्या होता है, इंडेंटिंग टेक्निक बेसिकली होता है, एक चीज़ लो, उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करके पेपर के ऊपर एक टेक्सचर क्रिएट करो, जिससे कि आपको एक मतलब गड्ढा बन जाए पेपर के अंदर। इसके लिए आपको अलग से टूल आता है, आप वो भी ले सकते हो या कुछ और ले सकते हो। बना लेने के बाद उसके ऊपर से कलर लगाओ तो वो गड्ढा भी भर तो नहीं जाएगा, बिकॉज ये सस्ता कलर पेंसिल है, इतना पिगमेंट तो नहीं है, वो गड्ढा भर देगा। तो ऐसे करके आप बना सकते हो बहुत आसानी से। और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो कटर लेके थोड़ा सा उखाड़ सकते हो कलर, तो तब जाके हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं बनाऊंगा बुढ़े आदमी की क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मतलब कपड़े, आई नो आपको पता होगा, मैं ही ज़्यादा डंगड़ू की बताने लगा ये सब चीज़ें, पर छोड़ो। क्लॉथ के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो वो देख लेना, कृपया करके वो देख लेना। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, बस एक ही चीज़ है, जहाँ पर डार्क है देखो डार्क लगाओ, जहाँ पर लाइट है देखो डार्क लाइट लगाओ, लाइट लगाओ करना मैं ढंगर। उसके बाद उसको ब्लेंड करो व्हाइट कलर पेंसिल से, एंड दैट्स इट। इतना ही था बस, इतना ही है, वो आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। पर एक्चुअली बताओ तो इतना आसान तो नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, पर क्या कर सकते हैं, दिस इज जिंदगी। और वाओ कांग्रेचुलेशन।